जितने भी इस प्रकार के जीव जंतु हैं, ये प्राणी हैं, इस सृष्टि के हिस्से हैं, वे किसी को अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर जीव सृष्टि में आप देखेंगे तो सबसे खतरनाक तो मनुष्य ही है जो सबको नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन कोई प्राणी किसी दूसरे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। आप कभी जंगल में जाएं और शेर को छेड़े ना, उसके राह में बाधक मत बनिए, वो आपको छेड़ेगा नहीं। कोई भी जंगली जानवर कभी नुकसान पहुंचाता नहीं जब तक कि उसको स्वयं आपसे खतरा न हो। लेकिन समय के अनुरूप जब हम लोगों ने जंगल को काटा, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, नदियों के वास्तविक प्रवाह को रोका, तालाबों को पाट करके वहां पर कंक्रीट के जंगल बनाने के कार्य किए, तो स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। हर एक जीव आप देखते होंगे जहां मनुष्य बस्ती होती है और जहां भी कोई ऐसा कोई जीव होता है, वह रात्रि के समय संरक्षण के लिए मनुष्य बस्ती के आसपास आता है, गांव के आसपास आता है, दिखाई देता है। लेकिन आपके पास वह संरक्षण के लिए आया कि जंगल में वह जंगली जानवरों से बचे तो मनुष्य बस्ती के नजदीक उसे संरक्षण मिलेगा, लेकिन मनुष्यों ने उसे भी नुकसान पहुंचाया, उनकी संख्या कम हुई, एक नया संघर्ष, एक नया द्वंद देखने को मिला। जब हम लोग पहले वर्ष में आए थे 17वें, तो पीलीभीत में लगभग 24-25 लोगों को बाघ और शेर ने मारा था। मैं वहां 2-3 बार इस दौरान गया था केवल जांचने के लिए कि आखिर इसका कारण क्या है। खैर, वहां पर जाकर के हम लोग उन लोगों को मुआवजा वगैरह देते थे। हम लोग बोलते थे कि भाई देखो, जंगल के पास मत जाओ, और जाना हो तो सामूहिक रूप से जाओ, नुकसान मत पहुंचाना किसी भी जंगली जानवर को। और विगत 2 वर्ष के दौरान इसके बाद काफी अच्छे परिणाम है, कहीं कोई नुकसान की शिकायत नहीं है। एकाध घटना कभी कोई घटित हो जाए, कोई जबरदस्ती किसी बाघ और शेर को छेड़े, तो सामान्यतः स्थिति 2016-17 की तुलना में बेहतर हुई है। हम सबको इसके संरक्षण की दिशा में जहां बेहतर प्रयास करने होंगे, वहीं साथ ही साथ ये भी तय करना होगा कि मनुष्य प्रकृति अपने को कैसे आगे बढ़ा सकता है। नदी संरक्षण के लिए जो कार्य चल रहे हैं, तालाबों के संरक्षण के लिए कार्य करते हुए, वेटलैंड घोषित करते हुए उन्हें व्यवस्थित रूप से संरक्षित करने की दिशा में क्या कार्य योजना बन सकती है। प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा ऐसा भूभाग है जिसे इस रूप में विकसित करते हुए हम अनेक प्रकार की पक्षियों के आश्रय स्थल के रूप में उसे विकसित कर सकते हैं। इस दिशा में बेहतर पहल अगर हो तो मुझे लगता है कि यह जैव विविधता को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि इन बच्चों ने यहां पर इस प्रतियोगिता में भाग लिया, उन्हें यहां पर आज वन विभाग के द्वारा आयोजित वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। वन्य जीव संरक्षण जागरूकता के लिए आज मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया है। टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए आम जन को जोड़ने भी और वन्य जीवों की वास्तविक स्थिति के बारे में आकलन करने में भी हमें इसके माध्यम से बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। मुझे विश्वास है कि जहां हम इस दिशा में बेहतर प्रयास करें, वहीं वन विभाग के कार्यों ही हम थोड़ा परिवर्तन करते हुए इसको प्रोफेशनल तरीके से हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं एक दिन कानपुर जा रहा था, कानपुर में भारी बरसात होने लग गई तो मुझे अपना हेलीकॉप्टर बीच से वापस करना पड़ा, तो मैं उन्नाव के पक्षी विहार के ऊपर मैं देखने लग गया।
अच्छा प्रयास है, थोड़ा उसको संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। दिन के कुछ घंटे आम जन को उसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है, टिकट सिस्टम उसके साथ लागू करिए, लेकिन किसी को पहले ही इस बात की हिदायत भी दें कि वह वहां पर किसी भी प्रकार की क्षति इस प्राकृतिक संपदा को न पहुंचाएं। और इस प्रकार के स्थल हम बहुत सारी जगह विकसित कर सकते हैं, हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। वन विभाग को, पर्यटन विभाग को, संस्कृति विभाग को, अन्य सभी संबंधित विभागों को आपस में मिल बैठ करके अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से ठोस कार्य योजना को लेकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यह स्थल स्वयं न केवल जैव विविधता के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इनकी बड़ी उपयोगिता होगी, फिर तो ये सभी अपने आय के साधन भी इस प्रकार के केंद्रों को विकसित करके जुटाने में सफल हो सकते हैं। हमें इस दिशा में अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की भी सहायता लेनी हो तो हमें उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के इस क्षेत्र में जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, संस्थाएं हैं, विशेषज्ञ हैं, उन सबको भी जोड़ करके इस दिशा में एक बेहतर प्रयास और बेहतर पहल करनी चाहिए। मैं एक बार पुनः वन्य जीव के लिए जो एक सप्ताह का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, शारदीय नवरात्र का अवसर है और भारत की पूरी परंपरा वन्य जीवों के प्रति हम सबका किस रूप में उनके साथ एक संपर्क और संवाद रहा है, उस संवाद को हम पुनर्जीवित कर सकेंगे तो वास्तव में यह प्रकृति और मानवीय सृष्टि के लिए भी, उनके भविष्य के लिए भी बेहतर होगा। इस पूरे आयोजन के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे जहां पर वन्य प्राणी सप्ताह शुरू किया जा रहा है। प्रकृति और कुदरत के महत्व को यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समझाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि ये जो सप्ताह शुरू किया जा रहा है, इस सप्ताह से हमें कुदरत को और वन्य जीवों को समझने का मौका मिलेगा। आखिर ये समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो गया है कि क्यों इस तरह की स्थितियां हो रही हैं। लगातार प्रकृति के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, वन्य जीवों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, उसे समझना बेहद ज़रूरी है और कुदरत को बचाकर और संजो कर रखना भी अब हमारी ही जिम्मेदारी है।